ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को याद हुआ कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने जो अपनी डिंका जस्ट रेस कार जिस बंदे को बेची थी, वो बंदा वाली रेस जीत गया था। उसके फादर ने मुझे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया था, और जब हम वहां पर पहुंचे तो पता चला ये इसका घर नहीं है, ये इसका बेस है। मतलब कि वो जो बंदा था ना, उसका फादर, वो ऑलराउंडर निकला। मतलब कि बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है, टेररिस्ट भी है, स्मगलर भी है, और उस बंदे के पास पैसों की कमी है ही नहीं। मतलब कि जितना पैसा लॉस सैंटोस के बंदे अपने घर में बचा के रखते हैं ना, सेव करके रखते हैं, फिर जितना पैसा उनके पास टोटल होता है, उतना पैसा था वो यही सड़कों पर फेंक के रखता। भाई सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था वहाँ पर जाकर। लेकिन एक पैसा भी हम उसका चुरा नहीं सकते थे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। और वो जो बंदा ना, थोड़ा सा अलग किस्म का है। मतलब कि ना, सारा का सारा पैसा फेंक देगा, लेकिन किसी को एक रुपया भी नहीं देगा अपनी तरफ से। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूस बंदा है, अलग ही टाइप का साइको दिमाग का है थोड़ा सा। अभी फिलहाल ना गाइस, आपको ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मतलब कि आपको याद होगा जो मेरी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो है, उसको मैंने देखो कहाँ पार्क कर रखा है, और यहाँ पर ना मैं अपने घर से अपनी कार को देख सकता हूँ। भाई कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब ना मैं यहीं से खड़े खड़े ध्यान रख सकता हूँ अपनी गाड़ी का, और चेक कर सकता हूँ कि कोई चोरी वोरी करने तो नहीं आ रहा, और कहाँ चली गई, अरे यहीं पर तो थी। ओके गाइस, तो ये रही मेरी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो। खैर इसको छोड़ो, अभी ना मैं आपको बताता हूँ कि उस बंदे ने हमें अपने घर पर किस लिए बुलाया था। तो यहाँ पर ना उस बंदे को पता है कि हमारा जो शोरूम है ना, उसमें हम सारी की सारी गाड़ियाँ ना कम प्राइस में बेचते हैं। तो उसको ना हमसे चाहिए थी विंटेज कार, वो भी गोल्ड एडिशन में। अब आपको मैं विंटेज कार का रियल प्राइस बता दूँ, वो है $10 मिलियन। लेकिन हम लोग उसे लिबर्टी सिटी से $2.5 लाख का खरीद कर लाए थे। तो यहाँ पर अगर हम उसे नॉर्मल विंटेज कार भी बेचे तो अपना काफी ज्यादा प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट $9.8 मिलियन का। लेकिन उसको चाहिए थी गोल्ड एडिशन में, तो यहाँ पर हमने उसे डील करी थी $20 मिलियन में। तो गाइस, आप लोग को पता होगा कि गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए ना ही मेरे पास बिल्कुल पैसा था और ना ही गोल्ड था। तो मैंने क्या करा कि वो जो पहले गाड़ी थी ना, उसको मैंने मॉडिफाई करवाने के लिए बैनी को दे दिया, और बैनी कह रहा था मुझे $5 मिलियन चाहिए, और हमारे पास $1.5 मिलियन थे। तो पहले मैंने उसे $1 मिलियन दिए, उसके बाद ऑलमोस्ट $4 मिलियन की बैंक रोबरी मुझे करनी पड़ी, और यहाँ पर उसको करने के बाद मेरे पास काफी सारा पैसा आ गया था। और सारा का सारा पैसा मैंने लास्ट टाइम बैनी को दे दिया, और बैनी ने अब तक वो जो गाड़ी है पूरी की पूरी यहाँ पर मतलब कि कन्वर्ट कर दी होगी गोल्ड में। अभी ना थोड़ी सी पेमेंट बैनी को भी देनी पड़ेगी। और ये जो बॉल है ना यार, सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया है, मजा आता है इससे खेलने में। और इसको यहीं पर छोड़ते हैं फिलहाल, अभी ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना, उसकी डिलीवरी अभी मुझे एयरपोर्ट पर कर करानी है। मतलब कि ना वहां पर उसके जो बंदे हैं वो मतलब कि अपना प्लेन लेकर आ रहे हैं, उनके प्लेन से वो अपनी गाड़ी ले जाएंगे। तो मुझे बस ना अपनी गाड़ी को प्लेन पर छोड़कर आना है एयरपोर्ट पर। अभी फटाफट ना यहाँ से निकलते हैं, और ये बॉल जो है ना फटना जाए भाई, जिस हिसाब से वहां पर जाके चिपकी है ना, मुझे लग रहा है फट जाएगी। और यहाँ पर आज मैंने ना ड्रेस जो है कुछ ज्यादा बढ़िया सी पहले, एकदम वेदर से काफी ज्यादा मैच हो रही है। अभी फिलहाल मेरे को ना ज्यादा दूर नहीं जाना, मैं जिमी की साइकिल लेकर आ गया हूँ। मेरे को बस यहीं तक आना था अपनी लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो लेने के लिए। तो बस मैं राइट से अपनी साइकिल को ऊपर चढ़ाऊंगा, और लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो लेकर मैं सीधा जाने वाला हूँ फिर अभी बैनी मोटर वर्क्स पर। वहां पर चलकर देखते हैं भाई बैनी को कितने पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, और उससे गाड़ी लेंगे, और गाड़ी लेकर सीधा हम चले जाएंगे उस बंदे को देने। मतलब कि उसके जो बंदे आ रहे हैं एयरपोर्ट पर गाड़ी लेने, उसको देकर आ जाएंगे। और उससे भी मेरे को $20 मिलियन की पेमेंट लेनी है। और यहाँ पर जैसी वो पेमेंट मुझे मिलेगी ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, सीधा प्राइवेट जेट ले लूंगा जाके। मेरा ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है प्राइवेट जेट लेने का। तो चलो गाइस, जरा अभी ना फटाफट से निकल लेते हैं बैनी मोटर वर्क्स की तरफ में। और यहाँ पर ना भाई सच्ची में लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो का भैया बात ही अलग है। अभी यहाँ से इस गाड़ी से पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा भाई, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर हम सीधा बैनी मोटर वर्क्स। बस ना यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक मिलता है ना तो भाई ब्रेक मारने में बिल्कुल मजा नहीं होता, और यहाँ पर स्क्रैच लग गया। चलो कोई नहीं, बैनी मोटर वर्क्स जा रहे हैं, फ्री में रिपेयर करवा लेंगे भाई उससे। इतना सारा काम हमने करवाया, उसका इतना प्रॉफिट करवा दिया हमने बैनी मोटर वर्क्स का। वैसे वो जो बंदा है ना, उसके पास गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा रिपेयर होने के लिए आती जाती रहती है, तो वो एक टाइप से ना प्रोफेशनल हो चुका है भाई। गाड़ी को इतनी जल्दी रिपेयर कर देता है भाई, पता ही नहीं चलता। रिपेयर तो उसके लिए मजाक है, लेकिन अगर मॉडिफाई करवाना है, गाड़ी को कन्वर्ट करवाना है, तो वो 1-2 दिन का टाइम ले लेता है, जैसे कि मैंने गोल्ड में कन्वर्ट करवाया। और मुझे ना भाई बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, मुझे ना जाकर देखना है कि अपनी जो गाड़ी है ना यार कैसी दिखने वाली है। खुद सोचो भाई, विंटेज कार नॉर्मली इतनी सही लगती थी देखने में, लेकिन जब वो गोल्ड की उछेगी तो कैसी लगेगी मुझे वो देखना है। फिलहाल यहाँ पर भी मैं पहुंच चुका हूँ बैनी मोटर वर्क्स, और अपनी गाड़ी मैं कहाँ पर पार्क करूँ ये वाली, वरना अगर टायर तो चलो कोई नहीं, अंदर ही लेकर चलते हैं। तो चलो गाइस, यार अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं बैनी मोटर वर्क्स के अंदर। यार सच्ची में लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो को ना चारों तरफ से देखो कितना ज्यादा बढ़िया लगती है। और यहाँ पर अरे भाई, ये ईंट किसने रखी है भाई इस तरीके से, भाई सच्ची में क्या मजाक चल रहा है भाई। तभी मैं सस्ते रोडों पर अपनी गाड़ी नहीं लाता भाई। लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो जो पूरा जमीन से चिपक के चलती है, और यहाँ पर जितने भी कूड़ा कचरा होता ना सारा उठाते हुए भी चल लेती है इसी के साथ। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी अंदर ले, और यहाँ पर भाई सच्ची में बैनी ने जो इतना कमाल का काम करा ना भाई, दिल खुश कर दिया भाई। गाड़ी को ना पूरा का पूरा गोल्ड में एकदम बढ़िया तरीके से कन्वर्ट करा है, और यहाँ पर ना गोल्ड लग रहा है ज्यादा हो गया था। मतलब कि जो टायर के रिम्स होते हैं ना, उस चीज तक को भी गोल्ड से कर दिया भाई, लग रहा है मैंने इसे
ज्यादा गोल्ड तो नहीं लाकर दे दिया। तो गाइस यहाँ पर ये जो अपनी विंटेज कार है ना, लग तो काफी ज्यादा बढ़िया रही है, लेकिन इसका जो गोल्ड है ना वो मेरे को गोल्ड कम ब्राउन ज्यादा लग रहा है। जैसे कि अपनी जो लिमोजिन थी ना वो इससे थोड़ा सा ज्यादा शाइन मारती थी, अब पता नहीं ये कम शाइन क्यों मार रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, लेकिन यार सच्ची में ना देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर ना आप एक चीज देखो, ये जो इसने अपने साइड में बंपर लगाया है ना, ये बंपर तक में भी इसने गोल्ड शाइनिंग दिया, आप लोग देख रहे हो ब्लैक कलर का है, लेकिन उसके पास जैसे हम फ्रंट से जाकर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा गोल्ड दिखने लग जाता है। तो यार काफी बढ़िया तरीके से इसने मॉडिफिकेशन करी है, और इस टाइम पर ना ये फिनिशिंग टच दे रहा है, लग रहा है अंदर थोड़ा बहुत ना काम रह गया। ओके, तो आप देख पा रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है बैनी। अभी यहाँ पर बैनी को पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे गोल्ड लाकर दिया था, उसी के अंदर से इसको पेमेंट मिल गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो टायर वायर हर जगह इसने गोल्ड चला दिया है। और यहाँ पर अभी 15 मिनट का काम हो रहा है, फिर यहाँ से चलते हैं। तो ओके गाइस, यार अभी ना फिलहाल मैं ऊपर की तरफ में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीने आया हुआ था यहाँ पर, क्योंकि ना भाई बैनी ने अपनी शॉप के अंदर काफी सही सिस्टम लगा रखा है, और यहाँ पर ना शायद से गाड़ी उसने ओके, तो गाइस यहाँ पर उसने गाड़ी कंप्लीट कर दी, उसने मेरे को बोल दिया है। अभी ना फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ में और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना काफी ज्यादा बढ़िया हो गई है, और यहाँ पर ना मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो भी यहाँ से बाहर निकाल लेनी चाहिए, वरना क्योंकि बैनी जो है गाड़ियां मॉडिफाई करता रहता है, कहीं पता लगे मेरी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो पकड़कर मॉडिफाई कर दी और फिर जब मैं वापस आऊँ तो उल्टा पैसे मांगने लग जाए, तो ये चीज मैं नहीं चाहता, क्योंकि बैनी भी सच्ची में थोड़ा सा घधैया है। और यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो ना मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ। भाई सच्ची में पहले मैं अपनी गाड़ियों का ना इतना ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन यार अभी कोई गाड़ी कहाँ खड़ी है, अपनी जो लैम्बोर्गिनी सियान है वो गवर्नमेंट फैसिलिटी खड़ी हुई है। फिलहाल जो मेरी ट्रॉन बाइक है उसको मैंने अपने दूसरे वाले सीक्रेट गैराज में रखा हुआ है, पर्सनल गैराज जो है, सीक्रेट गैराज नहीं, मतलब वो मेरा पर्सनल है, उसके अंदर और कोई भी अपना घर का मेंबर जो गाड़ी नहीं खड़ी करता, तो यहाँ पर वो एक अपने गैराज में ट्रॉन बाइक खड़ी हुई है। तो ओके गाइस, यार अभी फटाफट से अपनी विंटेज कार को बैनी मोटरवर्क से बाहर लेकर चलते हैं, और यहाँ पर ना आप कार के लुक देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया है, और जो साउंड है ना वो काफी ज्यादा चेंज हुआ, मतलब कि गाड़ी से क्रैकलिंग निकलने लग गया बहुत ज्यादा तगड़ी। और मुझे ना ये हरकत नहीं करनी है भाई, गाड़ी के टायर पुराने पुराने से दिखने लग जाएंगे, और यहाँ पर गाड़ी में भी डस्ट लग गया ना तो फिर गाड़ी भैया सेकंड हैंड लगेगी उसको, तो अभी ना गाड़ी पूरी की पूरी नई उसे देकर आनी है, तो यहाँ पर मैं ना अभी गाड़ी चला कर नहीं ले जाने वाला, एक काम करते हैं ना एक ट्रक लेकर आते हैं, यहाँ पर इस गाड़ी को उस ट्रक के अंदर लोड करवाएंगे और लेकर चलेंगे एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पर ना उनका जो प्लेन है वो खड़ा हुआ है जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था, तो उसी के अंदर हमने इस गाड़ी को लोड करवाना है। अब बाकी तो ना ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यानी यहाँ पर कोई ना कोई ट्रक तो मुझे जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना ट्रक छीनना पड़ेगा, वरना मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं पीडीएम जाकर ना उनसे ट्रेलर ला सकता हूँ, लेकिन यार वो ना काफी ज्यादा दूर पड़ जाएगा, वो रास्ता लंबा हो जाएगा, तो मैं वहां पर नहीं जाने वाला। मैं सोच रहा हूँ एक ट्रक यहीं पर मिल जाए तो बढ़िया है। अभी ना फटाफट चलते हैं पीछे की तरफ में, काफी बड़ी बड़ी यहाँ पर फैक्ट्री बनता है, इन बंदों ने बना रखी है। और गाइस ये शायद से जिम है, पता नहीं ये क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके अंदर गया हुआ हूँ, अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को जिम लग रहा है। बाकी अभी ना आगे चलकर देखते हैं गाइस यहाँ पर ना। ओके तो गाइस एक ट्रक तो मेरे को मिल गया है, और ओके तो गाइस यहाँ पर पीछे ट्रेलर भी मिल गया, और सामने जो है ट्रक भी मेरे को मिल चुका है, फैंटम है। अभी फटाफट से इसको बैठते हैं, और पीछे वाला जो मतलब ट्रेलर है उससे ना पहले मेरे को इसे अटैच करना पड़ेगा। तो ओके गाइस यार अभी ना एकदम आराम आराम से अपने ट्रक को जो है पीछे की तरफ में लेकर चलते हैं। वैसे ना इसे चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है फैंटम जो है काफी ज्यादा बड़ा ट्रक है। तो ओके गाइस यहाँ पर मैंने इसे लाकर अटैच तो कर दिया, अटैच हुआ नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, मेरे को ना एकदम सीधे में लाना पड़ेगा तो ये आराम से अटैच हो जाएगा। अभी जल्दबाजी में करूंगा ना तो भाई बिल्कुल भी काम बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ओके गाइस यहाँ पर ना अभी एकदम ये प्रॉपरली एकदम बढ़िया तरीके से अटैच हो चुका है अभी ना। यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, ये कौन है भाई बार बार ना मेरे पीछे आ जा रहा है, क्या दिक्कत होगी? अच्छा इसी का ट्रक है, अच्छा ये क्या हो गया भाई, मैं ले जा रहा हूँ तो क्या दिक्कत होगी तेरे को, तेरी भैंस की डंगा भी पीटेगा भाई, चले जा। अरे भाई बेमतलब का गुस्सा, अभी इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ पर आज इसे मैं बहुत मारूंगा भाई। यहाँ पर मैंने इसका एक ट्रक क्या लिया, घूसा मारेगा भाई, पुलिस कंप्लेंट कर, घूसा मारने का मतलब है। तो गाइस यार ट्रकर के अंदर ना सच्ची में बहुत ज्यादा जान होती है, मतलब कि घूसे लात इतनी देर से खाया जा रहा है लेकिन मरने का नाम ले नहीं रहा, और धक्का दे रहा है। आइयो अब बोल ले, ले मार के दिखा दे, एक ढंग से मार दे फिर मैं तेरे को बताता हूँ। अब मैं तो मार दियो, मैं पहले बता रहा हूँ। अरे अरे इसकी ऐसी की तैसी भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अब तो मार दे, लेकिन अब मत मार दियो ठीक है, वरना भूत उतार दूं। ओ भाई यहाँ पर उतरी भाई, सच्ची में यार का ट्रकर्स के अंदर काफी ज्यादा जान होती है भाई, इनको मारना मुश्किल है। ये देखो भाई इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा जान है यार, ये बराबरी की टक्कर दे रहा है। मैं मोटे तेरा मैं भूत बना दूंगा, अभी रख रख के इसके घूसे ही घूसे दूंगा, रुक जाओ। अभी मैं चाहूँ तो एक गोली मार के खेल खत्म कर दूं, लेकिन ना मैं देखना चाह रहा हूँ जान इसके अंदर है कितनी। निकल यहाँ से, इतनी देर से मैं मना कर रहा हूँ, मत चोड़ाओ मत चोड़ाओ, लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रही। अभी पढ़ाना, ओबे भाई इसके अंदर सच्ची यार बहुत जान है भाई, मोटे के अंदर कितना खाता है भाई, इतनी जान कहाँ से आई। इधर निकल यहाँ से, अभी उठ पर जो, और भाई साहब निकल दू
भाई सच्ची में अभी गोली पड़ी है तो ये शांत बैठा है, वरना तो यार सच्ची में इसकी हेल्थ जो है बहुत ज्यादा थी भाई। इतनी लंबी लड़ाई मेरी आज तक किसी से नहीं चली भाई, सच्ची में इतने घूसे मारे उसके बाद दो मैंने बेसबॉल बैट भी मारे तो भी ये बंदा जाकर उठ गया दोबारा से। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को मतलब कि अपने ट्रक को लेकर चलते हैं सामने की तरफ में। सर एक मिनट रुक जाओ, उसकी गोल्ड कार है गई, गोल्ड लग रही है लेकिन ये फेक गोल्ड है, नकली है। अभी फटाफट ना अंदर लेकर चलते हैं यहाँ पर। ओके तो गाइस मैं अपने ट्रक को अंदर लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर ना फटाफट से अपने ट्रक का जो है मतलब कि पीछे वाला ट्रंक खोलते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी को लोड करवाएंगे फिर लेकर चलेंगे एयरपोर्ट। तो ओके गाइस यार अभी फटाफट से ना मैंने अपने ट्रक का जो बैक वाला ट्रंक है उसे ओपन कर दिया। अभी जल्दी से ना अपने ट्रक से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ना अपनी विंटेज कार को इसके अंदर लोड करवाते हैं। बाकी ना मेरे को ये जो कार है ना काफी ज्यादा भारी लग रही है, तो एक चीज की टेंशन है कि ये उसका लोड ढंग से उठा पाएगा या फिर नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अगर मैं ट्रक चलाऊंगा और अगर मैं ब्रेक दूंगा ना तो भाई हो सकता है कि गाड़ी जो है ना सामने की तरफ में आगे आकर भिड़ जाए, तो बहुत ज्यादा ना तमीज से इस ट्रक को चला कर ले जाना पड़ेगा। वैसे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डस्ट वगैरह से हमें कोई टेंशन नहीं है, बट अगर अंदर में ले जाऊंगा ना तो स्क्रैचेस आ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आराम से चलाऊंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जल्दबाजी करूंगा तो भाई फिर दिक्कत आएगी। अभी फटाफट अपनी गाड़ी को अंदर एंटर करवा देते हैं। भाई साहब यहाँ पर आप लोग लुक देख पा रहे हो भाई विंटेज कार की, कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर जैसे जैसे करके मैंने अपनी विंटेज कार को अंदर एंटर करवा दिया है, अभी जल्दी से ना यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने ट्रक को जल्दी से यहाँ से लेकर चलते हैं। भाई सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है अभी तो, हमारा ट्रक भी और हमारी विंटेज कार भी अंदर जाके काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अभी जल्दी से चल के ट्रक में बैठते हैं फिर इसको लॉक करते हैं, मतलब पीछे वाले ट्रक को बंद करते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना सारा का सारा काम एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका, अभी ना फटाफट यहाँ से अपने ट्रक को लेकर निकल लेते हैं। बिल्कुल आराम आराम से चलाना पड़ेगा। और ये जो ट्रक आप लोग देख रहे हो ना सामने जा रहा है, इसी कंपनी का ट्रक मैंने भी ले रखा है और शायद से ना मेरे ट्रक का साइज थोड़ा सा बड़ा है। बाकी यहाँ पर मैं आपको कहीं रहता है इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रक आराम से मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट से निकल लेते हैं एयरपोर्ट की तरफ और ना यहाँ से एयरपोर्ट भी काफी ज्यादा पास है, बिल्कुल दूर जाना नहीं है और ना अपनी गाड़ी को ना मेरे को बहुत ज्यादा आराम से चलाना पड़ेगा, किसी को ठोकना नहीं है, क्योंकि अगर मैं गाड़ी किसी के बाहर ठोकूंगा ना तो अंदर मेरी विंटेज कार को भी टक्कर लगेगी सामने वाली दीवार में और यहाँ पर उसके ऊपर भी स्क्रैचेस आ सकते हैं। इसीलिए अभी ना मेरे को बहुत ज्यादा आराम से एकदम लेन के ऊपर चलाना होगा। वैसे ही जो ट्रक है ना भाई काफी ज्यादा भारी है, अगर किसी के टक्कर लगती भी है ना तो अंदर भाई मेरे हिसाब से तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक तो यार ना सच्ची में ये जो ट्रक है ना यार काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर एयरपोर्ट के नीचे जो फ्लाईओवर है ना उस फ्लाईओवर के थ्रू ना ये जो ट्रक है अपना अंदर एंटर नहीं हो पा रहा है। भाई अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, दूसरी एंट्रेंस से ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता यहाँ से हो जाए। जब हम लास्ट टाइम ट्रेलर लाए थे ना अपना गाड़ियों से भरा हुआ तो भी उसको मैंने दूसरे वाले रास्ते से निकाला था, वो भी उस वाले रास्ते से एंटर नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर अभी ना मेरे को दूसरा रास्ता ट्राई करना पड़ेगा। बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि एयरपोर्ट के अंदर भी ना काफी सारे ट्रेलर आ रखे हैं, यानी कि एंट्री तो होती है लेकिन पता नहीं कौन से रास्ते से होती है वो नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पर आगे एक रास्ता है, यहाँ से चलकर देखते हैं। ये वाला रास्ता भी एयरपोर्ट का ही है ना, पता नहीं यार अभी बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, लास्ट टाइम मैं कौन से रास्ते से आया था कौन से रास्ते से नहीं आया था वो चीज मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रही, तो शायद से हाँ यही रास्ता था। ओके गाइस तो यही वाला वो रास्ता था। तो ओके गाइस यार अभी ना बस फटाफट मेरे को अपने ट्रक को आगे तरफ में भगाना है और आगे भी शायद से रास्ता मेरे को बंद नजर आ रहा, चलकर देखते हैं। लो भाई यहाँ पर भी रास्ता बंद है, भाड़ में जाए मैं यहाँ पर जालियां तोड़ के आगे निकल ले रहा हूँ और यहाँ पर ना फटाफट से मेरा जो ट्रक है हल्का सा ठुक गया, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी भाई आराम से। और बाकी यहाँ पर आगे गेट है, सर गेट खोल दे कोई, तो मैं यहाँ पर मैं हॉर्न मार रहा हूँ। ओके भाई साहब पहली बार इज्जत, जब भी मैं सुपर कार से आता हूँ कोई गेट नहीं खुलता, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार ट्रक लेकर आया हूँ तो भाई यहाँ पर एक ही बार में इन लोगों ने गेट खोल दिया, क्योंकि इनको पता है ये ट्रक की एंट्रेंस है। अभी फटाफट चलते हैं आगे तरफ में और उन लोग का जो प्लेन है फिलहाल अभी यहाँ पर आया तो नहीं है, उन्होंने कहा था यहीं पर मिलना है सेकंड वाली लाइन में। तो अभी फटाफट से अपने ट्रक को जो है मैं इस वेयर हाउस के अंदर लेकर जाने वाला हूँ, उस वेयर हाउस के अंदर अपने ट्रक को आराम से पार्क करेंगे, यहाँ से अपनी विंटेज कार को मैं बाहर निकाल के रख लूंगा ताकि वो लोग आएंगे और सीधा विंटेज कार लेकर चले जाए। बाकी तो यार सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई कि मैं विंटेज कार यहाँ पर लेकर आया हूँ, भाई बहुत सही सीन। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल अपने ट्रक का जो पीछे वाला ट्रंक है वो मैंने खोल दिया, अभी फटाफट चलकर अपनी विंटेज कार को यहाँ से बाहर निकालते हैं। और भाई सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है अपनी गाड़ी और यहाँ पर एकदम आराम आराम से बाहर निकालेंगे भाई, कसम से ना देखने में जो मजा आता है वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का है। और यहाँ पर हमने जो अपनी फाइनली डिलीवरी अभी जो 100% कंप्लीट तो नहीं हुई है, बस अभी ना मैं उनके प्लेन के आने का वेट करना है। बाकी ना यहाँ पर एक डोर शायद से उधर से खुला रह गया, वो शायद से इन लोग का प्लेन भी आ गया, एक बार मैं देख के आता हूँ, मुझे आवाज सॉरी। ओके तो गाइस यहाँ पर इन लोग का जो प्लेन है वो भी लैंड कर आ चुका है, तो यहाँ पर चलो भाई अभी फटाफट से अपनी विंटेज कार को लेकर चलते हैं और ये लोग ना अपने प्लेन में लोड कर लेकर जाने वाले हैं वाली गाड़ी। भाई सच्ची में बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग है भाई, तो अभी फटाफट से अपनी विंटेज कार को लेकर चलते हैं इस वाले प्लेन में लोड करवाने के लिए। ओके तो गाइस यहाँ पर इसने अपना प्लेन जो है लाकर रोक भी दिया और मैं आगे से पूरी की पूरी गाड़ी को ना यू टर्न करके लाने वाला हूँ। और यहाँ पर ना मैं रोड का यूज
इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर मैं घास पे ले जाऊंगा ना गाड़ी, तो फिर गाड़ी जो है ना गंदी हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई सच्ची में कितने बढ़िया तरीके से अपनी गाड़ी जो अंदर एंटर होने वाली है। और यहाँ पर यार ज्यादा जगह तो है नहीं और इसने लाइट भी बंद कर दी भाई, अलग ही गदई है। चलो कोई नहीं, वैसे गाड़ी आराम से एंटर हो जाएगी इतने में। और यार यहाँ पर ना थोड़ी सी स्पीड से लानी पड़ेगी भाई गाड़ी, कम स्पीड में काम नहीं चलने वाला। थोड़ी ना ज्यादा स्पीड से गाड़ी लाएंगे और यहाँ पर अंदर आराम से मैंने एंटर करवा दी। तो ओके गाइस यार फाइनली अपनी गाड़ी को मैंने यहाँ पर लोड करवा दी और भाई सच्ची बता रहा हूँ हालत एकदम खराब हो गई भाई। अगर गाड़ी पर एक भी स्क्रैच आ जाता ना तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, गाड़ी की जो प्राइस है ना एकदम कम हो जाते। लेकिन यहाँ पर काफी आराम से मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अंदर से जो कैश पेमेंट है पूरे के पूरे $20 मिलियन का वो भी मैंने ले लिया है। अभी ना हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि अपना काम हो गया, हमने गाड़ी दे दी, पैसा मिल गया, अभी हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है। और ये लोग भी यहाँ से अपना प्लेन लेकर चले जाएंगे जैसी जो फर्स्ट रनवे है ना शायद उस पर कोई भी फ्लाइट आनी है, और जैसी वो वाला रनवे क्लियर होता है ये लोग भी यहाँ से टेक ऑफ करके निकल लेंगे। और भाई सच्ची बता रहा हूँ इतना ज्यादा पैसा भाई पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने ना मैक्स $11 मिलियन देखे थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पूरे के पूरे पूरे मतलब $20 मिलियन। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट हम लोग भी यहाँ से निकल लेते हैं और मुझे ना एक गाड़ी चाहिए होगी बढ़िया से। देखो यार $20 मिलियन होने के बाद मेरे को गाड़ी चुरानी पड़ रही है। अभी ना सबसे पहला मैं काम करने वाला हूँ इन $20 मिलियन से एक प्राइवेट जेट खरीदने वाला हूँ, जिसका मैं काफी टाइम से सपना देख रहा था। मतलब कि ना $10 मिलियन ही मेरे पास मैक्स आज तक इकट्ठे हो पाए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए। उसके बाद बिजनेस वगैरह स्टार्ट करा तो भाई सब कुछ एकदम वेस्ट होता चला गया सारा का सारा पैसा। लेकिन अभी ना गाइस काफी सारा पैसा हो चुका है, तो अभी फटाफट से मैं प्राइवेट जेट एक बाय करने वाला हूँ। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो प्राइवेट जेट है ना जो ऑनलाइन हमने देखा था वो प्योर गोल्ड का नहीं है, देखने वो गोल्ड का है लेकिन उसके ऊपर वो गोल्ड रैपिंग हो रही है भाई। मतलब $10 मिलियन में कहां हमें गोल्ड का प्राइवेट जेट मिलेगा, नॉर्मल प्राइवेट जेट मिल जा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यार वो भी ना बहुत ज्यादा महंगा यार, $10 मिलियन काफी ज्यादा होते हैं। अभी फटाफट चलते अपने घर की तरफ में, घर पर चलकर मैं लैपटॉप से ऑनलाइन बुक कर दूंगा उसको और देखते हैं उसका क्या सीन है, कहां पर उसकी डिलीवरी होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एयरपोर्ट पे होगा उसका सारा का सारा काम। लेकिन अभी हम चलते हैं सबसे पहले घर पर, काफी ज्यादा खुशी हो रही है और वो लोग भी अपना प्लेन लेकर निकल गए होंगे भाई। अभी सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। देखो भाई शोरूम खोलते ही इतना ज्यादा फायदा मेरे हिसाब से आज तक किसी को नहीं होगा। $2.5 लाख की गाड़ी मैंने पता कितने में बेची है, पूरे के पूरे $20 मिलियन में, खुद सोचो भाई। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ यहाँ पर सामने वाले बैंक में, जहां पर मैंने कल लोबरी करी थी। अपना सारा का सारा पैसा ना इसके अंदर जो जमा करवाएंगे और फिर फटाफट से ना ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे प्राइवेट जेट के लिए। भाई सच्ची बता रहा हूँ यार मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं खुश इस चीज के लिए हूँ क्योंकि ना मैं एक दो दिन के अंदर लिबर्टी सिटी जाने वाला हूँ, वहां पर दोबारा से जाएंगे क्योंकि वहां का जो मौसम है ना यार काफी ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। अब बस ना यार बस बैंक खुला हो, अब जल्दी से सारा का सारा पैसा उसके अंदर जो है जमा करवाते हैं, चलते हैं। तो ओके गाइस यार अभी ना मैंने यहाँ पर सारा का सारा पैसा जो है अपने बैंक में ऐड करवा लिया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। अभी ना फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और जब मैंने कल लास्ट टाइम यहाँ पर रॉबरी करी थी ना, आप लोग देख पा रहे हो भाई एक बंदा बैंक में नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आया हुआ यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि मैंने कल सबको मार दिया था। और जो सिक्योरिटी है ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यार वैसे बैंक में पैसा बचा नहीं है तो सिक्योरिटी बढ़ाने का फायदा क्या है। अब पता नहीं ये जो बैंक है दोबारा चल पाएगा नहीं चल पाएगा, लेकिन यहाँ पर इनकी सारी की सारी सर्विसिंग जो है काम कर रही है, थोड़े टाइम में यहाँ पर बंदे भी दोबारा आने लग जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास पूरे के पूरे $20 मिलियन पड़े हैं और 5 लाख और एक्स्ट्रा पड़े हुए, यानी कि $20.5 मिलियन अभी मेरे पास हो चुके हैं भाई, काफी सही। अभी फटाफट चलते हैं अपने घर की तरफ भाई, बहुत बढ़िया सीन हो चुका है भाई, काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो गाइस यार अभी ना मेरे को बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा भाई, घर जाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अभी फटाफट से मैं घर जाऊंगा और यहाँ पर जिमी के लैपटॉप से, ओ भाई सब कटिंग देखी भाई, कितने कम गैप में मैंने अपनी गाड़ी को वहां से निकाला। और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे को प्राइवेट जेट बाय करने का सबर बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल मैं जल्दी से अपने घर पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर अमेंडा की कार रिपेयर होकर दोबारा आई, क्या लास्ट टाइम मैंने तोड़ दी थी शायद से इस बार अमेंडा ने खुद रिपेयर करवाई है। ओके तो गाइस अभी फिलहाल मैं अपने घर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये वाली गाड़ी को फिलहाल मैंने यहीं पर पार्क कर दिया। अभी जल्दी चलते हैं ऊपर की तरफ में और यहाँ पर मैं जिमी का लैपटॉप चलाऊंगा भैया, जाते बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर जिमी का कंप्यूटर काम करेगा क्या? नहीं, जिमी ने कम नहीं नहीं काम करेगा भाई, पासवर्ड थोड़ी लगा रखा है। अब यहाँ पर फटाफट से मैं चलता हूँ, सबसे पहले अपनी वेबसाइट देख लेते हैं चल रही है कि नहीं चल रही। ओके गाइस सारी की सारी वेबसाइट यहाँ पर चल रही है और उस बंदे ने देखो यही कार बुक करी थी और उसको चाहिए था गोल्ड एडिशन। फिलहाल यहाँ पर ना देखो गोल्ड एडिशन था नहीं वरना वो बुक कर देता, इसलिए उसने हमें स्पेशल वहां पर बुला के बोला था। तो चलो भाई अभी फिलहाल सब कुछ हो चुका है, मुझे क्या करना है यहाँ पर इस वाली वेबसाइट से ये वाला प्राइवेट जेट खरीदना। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो पूरे के पूरे $10 मिलियन का है, मेरे पास तो $20 मिलियन है तो मैं बाय कर लेता हूँ। अब इससे ये मत समझना कि ये गोल्ड का नहीं है, ये मतलब कि मेन गोल्ड रैप हो रखा है, बाकी तो यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पर अपना जो प्राइवेट जेट है वो कहाँ पर आएगा यार, अभी तो मेरे को कोई भी मेल नहीं आया, एक बार मोबाइल में चेक करता हूँ। वरना पता क्या होता है कोई भी अगर हम गाड़ी वगैरह ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसकी सीधा मेल आती है, और लास्ट टाइम से ना मेरे को लग रहा है कि स्टोरेज ना पूरी की पूरी भर गई है इसलिए कोई मेल भी रिसीव नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एमुनेशन और प्रॉपर्टी की मेल आ रही है।
सारी की सारी। और ये देखो गन्स एमुनेशन, बाकी यार कोई भी मेल है नहीं, पता नहीं क्या सीन है। मेल अगर आना होगा तो आ जाएगा, अभी फिलहाल जो प्राइवेट जेट है वो मैंने बाय कर लिया, पता नहीं कहाँ पर आएगा वो, कहाँ पर देकर जाएंगे। घर पर तो देकर जाएंगे नहीं शायद से, वो लोग एयरपोर्ट पर खड़ा कर देंगे और मुझे वहीं पर जाकर उड़ाना है, वहीं से आकर चलाना है। बाकी यहाँ पर दोबारा से करेला जूस पी लेते हैं, मतलब करेला जूस आप सब लोग बोलते हो भाई, कसम से भाई ये जब पीता है ना माइकल, इसकी हालत देखो, ये देखो भाई क्या स्वाद होता हुआ सोचो। आपने कभी पिया है तो प्लीज यार कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल मैंने तो नहीं पिया, ना ही मैं पीऊंगा, क्योंकि भाई माइकल का जो रिएक्शन है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी फटाफट चलते हैं यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन को देखने जल्दी से। तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर धीरे धीरे से बैक करते हैं। और भाई सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है वाली कार भी, लेकिन खून वून लग गया। और यहाँ पर किसी का कॉल आ रहा है, एक मिनट। तो चलो गाइस यहाँ पर ना अभी उसी बंदे का फोन आ रहा था और मेरी ना एकदम आराम से बात हो गई है। वो कह रहा है कि तुम ना एक बार मेरे घर पर दोबारा से आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। और शायद से ना मेरे को लग रहा है कि ना वो बंदा उस गाड़ी के मुझे और पैसे देने वाला है। भाई देखो सीधी सी बात है, $20 million की तो नहीं होगी, 10 million dollar की नॉर्मल कार है, और उसमें अगर गोल्ड एडिशन ले रहा है तो भाई कम से कम $40 million तो दे। और वैसे भी उसके पास तो इतना ज्यादा पैसा है, तो हक बनता है यार उसका ज्यादा पैसा देने का, और उसने कम पैसा दिया। अभी फटाफट चलते हैं उसके घर पर, ज्यादा पैसा लेकर आएंगे। और यहाँ पर ना अभी ट्रेवर को मैं कॉल करता हूँ, ट्रेवर की जो है हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी और मैं इतने दिन से बेमतलब परेशान हो रहा हूँ। ट्रेवर को फटाफट कॉल लगाता हूँ, ट्रेवर को भी मैं साथ लेकर चलने वाला हूँ जल्दी से ट्रेवर को, क्योंकि ना मुझे वो जगह दिखानी है और उस बंदे के बारे में दिखाना है कि देखियो भाई बंदे के पास कितना ज्यादा पैसा है, कितना कुछ है भाई। अभी तो फिलहाल मेरी ना उस बंदे से दोस्ती हो गई है, क्योंकि आराम से जो अपनी गाड़ी की डील थी एकदम बढ़िया तरीके से हो गई। और यहाँ पर ट्रेवर कह रहे हैं कि चलो मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ अभी, लेकिन फ्रैंकलिन जो है हॉस्पिटल में है, तो फ्रैंकलिन को कोई नहीं बाद में देख लेंगे। अभी जल्दी चलते हैं ट्रेवर के पास, ट्रेवर ने शायद से वहीं पर मिलने के लिए बुलाया। और यार वहीं पर मेरी फरारी भी चोरी हुई थी, पता नहीं यार कौन मेरी फरारी उठाकर ले गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब मेरे को ये तक नहीं पता कि मैं अपनी फरारी ढूंढूंगा कैसे, क्योंकि मैंने आज तक कोई GPS वगैरह का सिस्टम गाड़ी में लगवाया नहीं है भाई, उल्टा हम लोग खुद दूसरों की गाड़ी चुरा कर लाते हैं। तो यहाँ पर यार कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पहली बात तो, मैं हमेशा अपनी ना एक एक गाड़ी का पूरा ध्यान रखता हूँ कि कौन सी गाड़ी मैंने कहाँ पर खड़ी करी है, कहाँ पर से लेकर आनी है, हर गाड़ी का मुझे पता है। लेकिन यार जो फरारी थी ना उसका पता क्या सीन हुआ, मैंने इस रोड पर खड़ी करी और मैं रोड पार करके ना उस तरफ गया, इतनी देर में कोई चुरा कर ले गया भाई। अब यार इतनी छोटी सिचुएशन का क्या कर सकते हैं भाई, पता ही नहीं चला कौन चुरा कर ले गया। अब पता है दिक्कत की बात क्या होती है, डिपेंड करता है एरिया, अगर हम लोग अपनी गाड़ी अच्छे एरिया में खड़ी करते हैं ना जहाँ पर पुलिस वगैरह का एकदम केस ही ना हो, जैसे माइकल का घर हो गया, जहाँ पर फ्रैंकलिन का घर होगा, वो जो एरिया ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पर गाड़ी कभी नहीं चोरी होगी। लेकिन ये जो एरिया ना बेलास गैंग वालों का भाई, ये बहुत खराब एरिया है भाई, यहाँ पर अभी गाड़ी खड़ी करो एक सेकंड बाद नहीं दिखती। और सेम टू सेम भाई अपनी फरारी के साथ हुआ था, यहीं पर मैंने लास्ट टाइम अपनी फरारी खड़ी करी थी। और आज देख लो भाई यहीं पर मैं खड़ी करके बस रोड पार करके उधर गया था। और आ जा भाई ड्राइवर जल्दी से चलते हैं। और यहाँ पर तो भाई ड्राइवर एकदम बढ़िया एकदम ठीक हो चुका है, और भाई इसने बताया नहीं, आराम से ऐश मार रहा है 3-4 दिन से। चलो कोई नहीं अभी फटाफट चलते हैं एयरपोर्ट से, जाऊँ कि मैं नॉर्मल जाऊँ, मैं नॉर्मल गाड़ी से जाऊँगा। और जो मेरी रोल्स है ना जिसके अंदर $3 lakh पड़े हैं, वो भी उसके घर के बाहर ही खड़ी हुई है। तो भाई यहाँ पर अभी ना ड्राइवर कह रहा है कि जो फ्रैंकलिन है वो भी एकदम सही हालत में, और यहाँ पर ड्राइवर तो ठीक हो ही चुका है। तो फ्रैंकलिन को ठीक होने में इतना ज़्यादा टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गिरा था और उसकी ना सीधा बैकबोन पर चोट लगी थी। अब बैकबोन पूरी टूटी तो नहीं थी, लेकिन हल्का फुल्का उसमें फ्रैक्चर आ गया था, जिस वजह से ठीक होने में थोड़ा वो टाइम लग गया। लेकिन अभी जो है फ्रैंकलिन ठीक है, अगर उसकी बैकबोन टूट जाती ना तो वो कभी जिंदगी में खड़ा भी नहीं हो पाता। तो चलो गाइस यार अभी हम लोग फाइनली उस बंदे के घर पर पहुंचने वाले हैं, बस हमें थोड़ा सा आगे जाकर वहां से लेफ्ट लेना है और उसका घर आ जाएगा। अब यार यहाँ पर ना पहली बात उसका वो घर नहीं है, वो उसका एक बेस है भाई, उस बंदे ने अपना खुद का ही एक मिलिट्री बेस बना रखा है भाई, सच्ची बता रहा हूँ बहुत खतरनाक है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है पूछो मत। और यहाँ पर अपनी भी जो ड्राइविंग है ना अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, साथ में बैठा हुआ बंदा डर जाए, लेकिन अभी हमारे साथ में ड्राइवर बैठा हुआ है तो सब डर जाएंगे, लेकिन ड्राइवर एक ऐसा बंदा जिंदगी में नहीं डरेगा। अभी फटाफट चलते हैं आगे तरफ, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। और हमारी जो रोल्स है वो भी हमने लास्ट टाइम यहीं पर खड़ी करी थी, आप लोग देख पा रहे हो। अभी क्या पता ना पैसा वैसा थोड़ा ज्यादा हो, इसलिए ये वाली गाड़ी भी ना एकदम संभाल के खड़ी कर देते हैं। अगर वो लोग हमें ज्यादा पैसा देंगे तो आधा पैसा उस गाड़ी में डालेंगे, आधा इसमें डालेंगे और चलेंगे। बाकी मुझे लग रहा है ना उसने किसी अपने एक और काम के लिए बुलाया, हो सकता है कोई लड़ाई वड़ाई करवानी हो, क्योंकि वो बंदा ना जानता है कि हम लोग काफी बड़े गैंगस्टर है लॉस सैंटोस के, तो हो सकता है कोई काम निकलवाना चाहता हो। लेकिन उसके पास फोर्स इतनी बड़ी है कि वो हमसे काम नहीं निकलवाना चाहेगा, वो अपने काम खुद कर सकता है भाई, जितने भी लड़ाई वड़ाई के हैं, इतने सारे गुंडे बदमाश हैं उसके पास पूछो मत। अभी फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं उसने हमें दोबारा से किस लिए बुलाया। बाकी यहाँ पर एक गंजा यहाँ पर आराम से बैठ के बात कर रहा है, अरे बच गया, ओहो अभी देगा इनके ड्राइवर धप्पा तो कर इसके जरा। अभी यहाँ पर इसको लग रहा है इसकी लड़ाई चल रही है मेरे से, लेकिन अभी ड्राइवर एक ही देगा, मेरे मार के तो दिखा तू ले एक मार, चल तेरी। यहाँ पर ड्राइवर ने गलत भरे भाई इसके, अभी यहाँ पर गंजे के पड़ेंगे पहले। गंजा बे मतलब मैं सीढ़ी पे बैठा हुआ था और यहाँ पर गंजे को मैंने बोला सीढ़ी से हट, तो यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। आ जा भाई आ जा ड्राइवर, अरे अरे ड्राइवर को तो बिछा देंगे भाई, ये तेरी ऐसी की तैसी पूरा
पूरा मार भाई। ट्रेवर अभी पिटेगा लग रहा है इससे भाई, मार क्यों नहीं रहा ट्रेवर इसको। अभी फटाफट चलते हैं यहाँ से, और ये क्यों डर के भाग रहे, इनको तो कुछ का ही नहीं। अभी फटाफट चलते आगे। और गाइज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि इनकी जो बोट है और इनकी सबमरीन यहाँ पर खड़ी हुई है। अब ना मुझे कन्फर्म नहीं पता ये जो बोट और सबमरीन है ये है किसकी। अगर मुझे एक बार ही पता चल गया ना कि उस बंदे की नहीं है तो यहाँ पर मैं सबमरीन चुरा लूंगा, क्योंकि ना पानी के अंदर पुलिस नहीं आती तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब भी पुलिस पीछे पड़ेगी हम लोग इस सबमरीन में बैठ के पानी के अंदर चले जाएंगे और काफी बढ़िया सीन रहेगा। और अभी ना मुझे आज पानी में नहीं गिरना भाई, मैं जब भी इस बोट पे बैठता हूँ ना मैं पानी में गिर जाता हूँ, इसलिए आज मैं जंप करके बैठूंगा। ओके तो गाइस यहाँ पर अभी मैं जल्दी से बोट में बैठ चुका हूँ। यहाँ पर ट्रेवर जल्दी आ जा, क्या कर रहा है ऊपर भाई। तो चलो गाइस यहाँ पर ट्रेवर जो है फटाफट से भागता भागता नीचे की तरफ में आ रहा है, और यहाँ पर कैसे कूद के बैठेगा, गया पानी में, मुझे लग ही रहा था। अब चढ़ के बैठ भाई, यहाँ पर ना हर बंदा गिर जाता भाई पानी में, सच्ची बता रहा हूँ। जल्दबाजी के करने के चक्कर में ना हर बंदा यहाँ पर आकर पानी में गिर ही जाता है जल्द से। अभी फिलहाल ना मुझे कहाँ से एंट्री लेनी है वो मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ ना आगे एयरलाइन की तरफ से एंट्री ले लेते हैं। बाकी ये जो इनका घर है ना, मतलब जो बेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा तगड़ा भी है। तो गाइस यार अभी मैंने अपनी बोट जो है यहीं पर पार्क कर दी, और हम दोनों लोग यहीं से सीधा चढ़कर ऊपर की तरफ में आ गए हैं। अगर मैं अभी डायरेक्टली जाता ना तो मुझे पूरी की पूरी एयरलाइन घुमा के अपनी बोट को ले जाना पड़ता मेन गेट से एंट्रेंस करने के लिए, इसीलिए मैंने कहा चलो यार पीछे से एंटर हो जाओ वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ना अभी ये सारे के सारे लोग हमें जानते तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ओके गाइस यार अभी फटाफट ना जंप मार लेता हूं मैं इस तरफ में, और हम दोनों लोग जो है इधर से टॉप के आगे की तरफ में आ गए। और ट्रेवर भैया जल्दी से आ जाओ, नीचे चलकर देखते हैं क्या सीन है भाई। यहाँ पर ना अभी पता नहीं किस चीज़ के लिए उसने बुलाया है, मैंने ना उसके मेन ऑफिस में चेक कर लिया, वो अपने मेन ऑफिस में तो नहीं बैठा है। यहाँ पर नीचे चलकर देखते हैं, क्या पता वो नीचे बैठा हो आराम से, क्योंकि हो सकता है अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने अपनी गाड़ी भेजी तो हो सकता है नीचे बैठ के वो गाड़ी देख रहा हो। तो चलो गाइस यार यहाँ से ना अभी फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ में। और आप लोग ना यहाँ पर देख पा रहे हो सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, हम दोनों ही लोग का पैर फिसल गया। और यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, और सामने की तरफ में आप वही वाला प्लेन देख पा रहे हो जिसके अंदर हमने अपनी गोल्ड विंटेज कार लोड करवाई थी। तो वो जो प्लेन है एयरलाइन पर सामने की तरफ में खड़ा हुआ, और यहाँ पर ये ना इस बंदे की सारी विंटेज कार कलेक्शन है, और ये है इसके बेटे की कार कलेक्शन, यहाँ पर सारी की सारी रेस कार्स है। अभी फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ में, और यहाँ पर ना आप लोग सामने देख पा रहे हो कि भाई इतने ज़्यादा बॉडी गार्ड्स हैं, और जिसमें से ना चार बंदों ने सीधा हमारे ऊपर एम रखा हुआ है। अगर हम ना कोई भी चलाकी करने की कोशिश करते हैं तो ये सीधा हमारे ऊपर गोली चला देंगे। मतलब अगर इस टाइम पर बाई चांस हमारे हाथ से चाकू भी निकल गया ना, वहीं पर ये चारों लोग हमारे गोलियां भर देंगे। तो गाइज यार अभी ना फिलहाल मेरी इस बंदे से बात हो गई है, और ये कह रहा है कि तुम्हारी जो गाड़ी है ना वो प्योर गोल्ड नहीं है, उसके ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ पॉलिश हो रखा है वो भी गोल्ड का, और जो गाड़ी का कलर है ना वो ब्राउन है। और यहाँ पर ना मैं एक बार ही देख कर आता हूँ सीन क्या है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अब मेरे को भी लग रहा है जो गाड़ी है ना वो प्योर गोल्ड नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर इन्होंने ना गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मारे हैं, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अंदर ना साफ लोहा नजर आ रहा है, यानी कि गाड़ी के ऊपर जो है पॉलिश किया गया पूरा का पूरा गोल्ड का, और गाड़ी का जो कलर है ना वो ब्राउन था भाई, बिल्कुल चूना लगाया भाई बैनी ने, तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पर ना एक बार मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर ना एक स्क्रैच लगाकर देखते हैं, अगर गोल्ड का गोल्ड कलर ही रहा तो समझ लो ये गाड़ी प्योर गोल्ड की है, लेकिन अगर सिल्वर हो गया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिल्वर हो गया भाई, जहाँ पर मेरा बैट लगा था वो एरिया सिल्वर हो चुका है। और ये कह रहे हैं ना कि ना मेरे एक बार ना बेटे की कार देख कर आओ तुम्हें समझ आ जाएगा गोल्ड कलर होता क्या है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले ना फटाफट इसके बेटे की गोल्ड वाली कार देख कर आते हैं, वो होता है गोल्ड कलर। ओके तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जिस चीज़ की मैंने ना अभी बात करी थी, यहाँ पर ना इसकी गाड़ी का टायर देखो भाई पूरा का पूरा एकदम गोल्ड ना अलग ही शाइन मार रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ की वो बात कर रहा है कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो प्योर गोल्ड की नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना है वो देखना पड़ेगा भाई, ये क्या सीन है। अभी फिलहाल इन लोगों ने ट्रैवर को भी साइड में खड़ा करा दिया भाई, मतलब कि पैसा भी तो मैं इसे वापस नहीं कर सकता यार। मैंने सोचो गोल्ड कह के इसे ब्राउन कार चेप दी, वैसे मैंने चेपी नहीं है, चेपी तो मुझे बैनी नहीं है। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरी इस बंदे से बात हो गई, और ये कह रहा है कि तुम्हारे पास ना सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम है, या तो मेरे को वो फटाफट से ये वाली जो गाड़ी है इसकी एकदम प्योर गोल्ड वाली जो रियल कार है जहां पर भी है ला कर दो मुझे नहीं पता, और दूसरी चीज ये है कि मुझे $40 million ला कर दो। अब भाई देखो कितना चालू है भाई, यहाँ पर इस बंदे ने मेरे को $20 million दिए थे इस गाड़ी के, और वापस मांग रहा है $40 million। भाई मेरे पास $10 million बचे हैं, क्योंकि बाकी $10 million का तो मैंने प्राइवेट जेट बाय कर लिया, और भाई $20 million लाना कोई मजाक बात नहीं है। और यहाँ पर दूसरी चीज ये कह रहा है कि सबसे पहले अभी तो ये लोग ना ट्रैवर को घर नहीं जाने देंगे, कह रहे ट्रैवर यहीं रुकेगा जब गाड़ी या वापस आ जाएगा, फिर जब पैसा दे दोगे तो ट्रैवर को ले जाना, और अगर नहीं करा फिर भी गाड़ी नहीं दी तो उसके बाद ये लोग फैमिली को किडनैप कर लेंगे। तो गाइस यार यहां पर ना भी इस बंदे ने हमें बहुत ही बुरी तरह फंसा लिया, और यार मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस सिचुएशन में, इन लोग से भिड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यार यहां पर आप लोग देख पा रहे हो जो इसके बॉडी गार्ड है ना भाई वो सच्ची में मजाक नहीं है। और भाई ये लोग ट्रैवर को क्यों मारने लग गए भाई, अब क्या सीन हो गया यार ट्रैवर ना सच्ची में, पहले ट्रैवर ने यहां तो
और अभी भी देख लो भाई, इसको मत कर भाई ड्राइवर, ये लोग भूत बना देंगे तेरा भाई। अब यहाँ पर ना ड्राइवर वैसे है तो बहुत दम वाला ये, लेकिन ना इनके पास चक्कू वक्कू है और ये लोग नहीं छोड़ने वाले भाई। ओ तेरी, फिर भी ड्राइवर मार रहा है भाई, ड्राइवर में जान होता। बाकी यहाँ पर दो बंदों को बिछा दिया। तो गाइस यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ना ये एक नहीं है, दो नहीं है, काफी सारे लोग है। और यहाँ पर अगर मैं ड्राइवर को बचाने की कोशिश करता भी हूँ ना, तो भाई जो चार लोग सामने मेरे ऊपर एम धर के बैठे हुए है ना, अगर मैंने कोई भी हरकत करी भाई सीधा मेरे ऊपर गोलियां चल जाएगी। तो यहाँ पर ना भी मैं अपने दोस्त को पिटते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और भाई बहुत ही बुरी तरह मार रहे हैं ये लोग भाई, अगर ऐसे ही ये लोग कर चलता रहा तो भाई ड्राइवर थोड़े टाइम बाद मर भी सकता है भाई। और यहाँ पर ड्राइवर को समझ नहीं आ रही, थोड़ी देर पिट नहीं सकता भाई, वापस मार रहा। और यहाँ पर उन्होंने अपने एक बंदे की दे दी भाई गलती से, लेकिन यहाँ पर वो भी देख रहे हो उनका एक बंदा एक में ही गिर गया। और यहाँ पर ड्राइवर धड़ाई धड़ खाए जा रहा है, लेकिन फिर भी उठ रहा भाई, दम देख रहे हो बंदे में। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना ड्राइवर ने भी फाइनली सरेंडर कर लिया। और मैंने ड्राइवर को सरेंडर करने के लिए काफी देर से बोल रहा था, मैं उसे ये कह रहा था कि ये जो बंदे है ना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, इनको मारना इम्पॉसिबल है, इनसे मत लड़। लेकिन ये जो बात है ना ड्राइवर को अब समझ आई, क्योंकि यार कल इसने लास्ट टाइम एक्सप्लोर नहीं करा था, ये अपना हॉस्पिटल में थे, तो मुझे पता है भाई ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है भाई। जिन बंदों पे न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है तो भाई वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो शायद से अब जाकर ड्राइवर को ये बात समझ में आ गई, और यहाँ पर भाई ड्राइवर का भी बुरा हाल कर दिया है। और ये लोग ना अभी ड्राइवर को घर पर नहीं जाने देंगे, ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अपने दोस्त को घर पर ले जाना तो मुझे $40 मिलियन ला कर दो, या फिर वही ओरिजिनल गोल्ड विंटेज कार ला कर दो, तभी हम लोग ड्राइवर को घर पर जाने देंगे। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग ड्राइवर को तो मारेंगे, लेकिन साथ के साथ हमारी फैमिली को भी मार देंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि अपनी फैमिली को ना छुपाने की कोशिश मत करना, हमने पहले ही तुम्हारे घर पर सारे के सारे अपने जितने भी टेररिस्ट है, जो भी इनके गैंग के बंदे हैं, हमारे घर के बाहर इन्होंने खड़े कर दिए। तो भाई अभी सच्ची में इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा दिमाग है ना भाई, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी तक मैं इसे एकदम पागल किस्म का बोल रहा था, साइको बोल रहा था, लेकिन नहीं भाई, सच्ची में इस बंदे को असली गेम खेलने आती है भाई। इसको पता है कब क्या चीज करनी है, जिससे बंदा कुछ भी ना बिगाड़ पाए बाकी लोगों का। तो गाइस यार अभी ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है लेस्टर भाई। अभी ना इस टाइम पर लेस्टर ही कुछ कर सकता है, क्योंकि यार देखो हमारे पास दो ऑप्शन उसने दिया है। पहला ऑप्शन ये है, या तो हम लोग $40 मिलियन का जुगाड़ करें, जो कि यार बिल्कुल नहीं हो सकता, और हम लोग बच गए भाई अभी पानी में गिरते, तो यानी कि $40 मिलियन का जुगाड़ तो बिल्कुल हो नहीं सकता। और वो जो गोल्ड विंटेज कार है उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो अभी ना फटाफट से मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले बैनी मोटर वर्क्स पर, और अगर वो मेरे को वहां पर दिख गया ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही बुरा वाला मारूंगा से भाई। देखो यार गाड़ी लेकर भागा है, अपना इतना ज्यादा नुकसान हुआ ना भाई, $20 मिलियन की कोई कार, वैसे वो ना $20 मिलियन की नहीं है, और भी ज्यादा महंगी कार है। अभी सोचो हम लोग, मैं सोच रहा था कि यार मेरा 2.5 लाख में इतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन यार अभी तो यहाँ पर सारा का सारा लॉस हो गया, और बैनी का फ्री में इतना सारा फायदा हो गया भाई। सच्ची में बैनी तो बहुत बड़ा चोर निकला, लेकिन अब मैं बैनी को नहीं छोड़ूंगा भाई, बैनी पिटने वाला है मेरे से बहुत ही बुरे वाला। तो ओके गाइस यार अभी जल्दी से चलते अपनी गाड़ी में बैठते, और मैं यहाँ से सीधा जाने वाला हूँ बैनी मोटरवर्क्स, और उस बंदे को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब कि उस बंदे को मैंने अपना सारा का सारा गोल्ड ले जाकर दिया, अपनी विंटेज कार ले जाकर दी, उससे पहले मैंने उससे इतनी सारी गाड़ियाँ जो है रिपेयर करवाई थी। अमेंडा की कार 2 बार रिपेयर करवा चुका हूँ, अपनी डिंका जस्टर बाय करी थी, और उस बंदे पे मैंने पूरा ट्रस्ट करा था। मैं सोच रहा था अब हमारे बीच जो है दोस्ती होगी या सारी की सारी गाड़ियाँ, क्योंकि मैं वहीं से रिपेयर करवा रहा था, लेकिन उस बंदे ने धोखा दिया भाई। मतलब कि जो रियल गोल्ड विंटेज कार है वो अपने पास रख दी, और मेरे को नकली कार चेप दी। और ये जो कार है ना भाई, इसके अंदर तो कुछ गोल्ड लगा ही नहीं है भाई, ऊपर भी यहाँ पर जो है ना पॉलिशिंग हो रखी है सारी की सारी। मुझे लग रहा था कि कम से कम हल्का फुल्का तो गोल्ड होगा, रैपिंग कम से कम गोल्ड की होगी, लेकिन भाई रैपिंग तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिश कर रखा है ब्राउन कलर पे, और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई डार्क गोल्ड है। तो यार मैंने भी उस टाइम ट्रस्ट कर लिया था कि यार होगा, मेरे को एक बार को शक हुआ था कि हाँ भाई गोल्ड तो नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं होगा गोल्ड। अभी जब मैंने असली गोल्ड देखा ना कि कार पे कैसा लगता है, तो समझ आ रहा है भाई नकली और असली के अंदर अंतर। तो भाई सच्ची में बहुत ही बेकार चूना लगाया हमें यहाँ पर बैनी ने। अभी फटाफट चलते हैं बैनी मोटर वर्क्स की शॉप पर, और आप देखना उसे कितना मारूंगा ना मैं, चाहते जिंदा नहीं मारेंगे, सिर्फ डंडे डंडे पड़ेंगे, मरने नहीं दूंगा उसको मैं। नहीं गाइस यार सच्ची में हम लोग दुनिया को लूट रहे हैं, यहाँ पर बैनी उल्टा हमें ही लूट रहा है। मतलब कि भाई मैं सोच रहा था कि मैं लिबर्टी सिटी से गाड़ी जो है $2.5 लाख की लाया हूँ, और यहाँ पर आकर कितनी ज़्यादा महंगी बेच रहा हूँ $20 मिलियन की, मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज़ को देखकर मैं सोच रहा था अपना बिजनेस जो है काफ़ी तेज आगे बढ़ेगा, लेकिन ना यहाँ पर बैनी ने मैं उल्टा पागल ही बना दिया भाई पहली बार में। मतलब कि ना मैंने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करा था, इतनी सारी गाड़ी वाड़ी उससे मॉडिफाई करवाई थी, लेकिन यार यहाँ पर उसने एक बार भी सोचा नहीं, सीधा हमारी जो कार है उसे उठाकर भाई मतलब कि गोल्ड वाली हमें नकली वाली चेप दी, खुद ने असली वाली रख ली। अभी मैं इसको बताता हूँ बेटा कहाँ का बदमाश है, इसने गलत बंदे से पंगा ले लिया भाई, सीधा डंडा निकाल भाई, अंदर जाते ही इसको मैं मारना शुरू करूंगा, और जिंदा नहीं मारूंगा, ऐसा अनलिमिटेड मारूंगा, जिंदा नहीं मारूंगा। अबे शटर खोल भाई, शटर तक इसने
उसने लॉक कर रखा है। सेंसर वेंसर कहाँ चले गए? वो भाई पूरा का पूरा अबे भाई साहब, ये तो पूरी की पूरी वर्कशॉप ही खाली होगी भाई। ये बैनी गया कहाँ? यहाँ पर इसके एक दो गाड़ियाँ तो खड़ी है, लेकिन ना यहाँ पर इतनी सारी कार जो नीचे छः छः सात सात कार खड़ी होती थी वो भी नहीं। और यहाँ पर बैनी अंदर है क्या? एक मिनट रुक जाओ, बैनी अंदर भी नहीं है भाई, यहाँ पर गेट भी नहीं खुलने वाले भाई साहब। सच्ची में बैनी ना बहुत बेकार चीज़ है। मैं इसकी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं भाई। बैनी अब तू मिल जा भाई, बैनी का खेल मैं सारा खत्म कर दूंगा आज। अब यार बैनी की ना पूरी की पूरी वर्कशॉप मैं तबाह करने वाला हूँ भाई। वैसे वो यहाँ से भाग चुका है, कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पर इन सब चीज़ को फोड़ने का भाई। बहुत ज़्यादा तेज निकला बैनी तो। अभी ना फटाफट यहाँ से चलते हैं भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया अब। लेकिन यार मैं बैनी को ढूंढूंगा कहाँ पर, वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यार ये तो मेरे को इसके अलावा मैं बैनी को अच्छे से जानता नहीं। तो ओ हाँ, बैनी के पास ना अभी गोली किसने मारी? अच्छा जी, बंदे भी रख रखे हैं। देखो ग्रीन गैंग का बंदा इधर आते ही ऐसी तरह। बैनी नहीं रखा हुआ इसे कन्फर्म, इसे कन्फर्म बैनी नहीं रखा हुआ कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे मार दे। लेकिन उसको पता नहीं है, एक बंदा नहीं रखना पड़ता हमें मारने के लिए, हजारों बंदे रखने पड़ते हैं। अभी फटाफट चलता हूँ, एक काम करता हूँ ना, ग्रीन गैंग के बंदे जो है ना जितने भी, वो हमेशा बैनी से अपनी कार रिपेयर करवाया करते थे और अपनी कार मॉडिफाई करवाते हैं, हमेशा पूरे पूरे दिन इसी के साथ रहते हैं। अभी फटाफट चलता हूँ मैं पहले ग्रीन गैंग वालों के एरिया में, उनसे बात करते हैं बैनी के बारे में कि क्या उन्हें बैनी के बारे में पता है या फिर नहीं पता। तो गाइस देखो, अभी ना अच्छी बात यह है कि फ्रैंकलिन की वजह से ना मेरी भी ग्रीन गैंग से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रखी है, और जो ग्रीन गैंग के बंदे हैं ना उसकी अच्छी दोस्ती है बैनी से। मतलब पूरी की पूरी गैंग बैनी को एकदम अच्छे से जानते हैं कि कहाँ वो रहता है, क्या करता है, मतलब सारे दोस्त हैं उसके। अभी फटाफट चलते हैं आई तरफ में। आप लोग यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ देख पा रहे हो ना ग्रीन कलर की, आपने सेम टू सेम यही गाड़ी बैनी की शॉप में भी देखी होगी। यानी कि ये सारी के सारे जितने भी लोग हैं ना अपनी गाड़ियाँ वहीं से मॉडिफाई करवा कर आते हैं। अभी ना फिलहाल मैं इन लोग से पूछता हूँ कि बैनी जो है कहाँ पर गया है, और ये लोग भी शायद ना मेरे से थोड़ा बहुत डरते होंगे। फिलहाल एक बंदा जा तो रहा है यहाँ पर, ये बंदा तो पूरा इग्नोर मार रहा है भाई। मैं इससे बात कर रहा हूँ, पूरा इग्नोर मार रहा है। और इसको देखो भाई, कहाँ से गाड़ी ले जा रही है और कोई जगह नहीं मिल रही क्या? ओके, तो यहाँ पर ना फिलहाल इससे बात करते हैं। सिगरेट पीने फुल मस्त हो रखा है, ये बताएगा हमें कहाँ पर बैनी गया। अबे भाई क्या दिक्कत हो गई भाई, मैंने इससे बैनी के बारे में पूछ लिया, बेमतलब चोड़ा हो रहा है। अच्छा चल ठीक है, मैं किसी और से बात कर लेता हूँ भाई। बेमतलब चोड़ा हो रहा है, मैंने बैनी से पूछा, बैनी के बारे में पूछा तो यहाँ पर एक बंदा इससे पूछता है बैनी के बारे में, ये हमें बता दे तो बढ़िया रहेगा। तो भाई ये बंदा भी फुल चोड़ा हो रहा है यार, किससे बात करूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। कह रहे कौन होता तू बैनी के बारे में पूछने वाला, बैनी भाग गया यहाँ से, ऐसे बोल रहे भाई, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर। ये लास्ट बंदा है, अगर इसे पता होगा तो ठीक है, वरना यहाँ पर भाई फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिलहाल मैं इससे पूछ लेता हूँ क्या सीन है। और यहाँ पर अबे भाई साहब, मारा किस बात पे तूने तेरी ऐसी? अबे भाई अब तो मैं कन्फर्म हूँ इन लोग को पता है, यहाँ पर ना इन सबको पता है बैनी कहाँ गया है भाई, क्योंकि ना ये लोग ना कोई भी बता नहीं रहा, और जैसे ही मैं पूछ रहा हूँ ना सीधा मारने लग रहे हैं। अभी आ जाओ बेटा, बेमतलब मेरे गोलियां मार रहे भी भाई, ये लोग जानते ही नहीं है। मैं इनका भूत बना दूंगा मैं इनकी ग्रीन गैंग का। आ जाओ बेटा, तुम अपनी ग्रीन गैंग पूरी ले आओ, आज मैं तुम्हारी रेल बना दूंगा भाई। सच्ची में जब मैंने कुछ बोला ही नहीं तो चौड़े होने का मतलब ही नहीं है भाई। यहाँ पर ऊपर से मारेगा तू, ऊपर से मारेगा भाई, जिसको बुलाना है बुला लो, आ रहा हूँ ऊपर ही आकर मारूंगा अब तेरे को। वैसे ही गिर गया इधर आती ही ऐसी की तैसी, कुछ कह रहा हूँ मैं तेरे को। मैंने नॉर्मल सा पूछा था ना बस बैनी है कहाँ पर, लेकिन भाई इनको तो बेमतलब चोड़ा होना है ना। तो गाइस यार फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे थे सबको मैंने मार दिया, और यहाँ पर देखो और बंदे आ रहे हैं भाई, जिसको बुलाना बुला लो। अभी मैं एक काम करूंगा ना, यहाँ पर एक बंदे को ना पूरा नहीं मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना रखूंगा कि वो बोल भाई इसकी पैर पे गोली मार देते हैं। अभी ये ना मरेगा नहीं, सबके पैर पे गोली मारूंगा। इन सबसे मेरे को पूछना है कि बैनी जो आखिरकार गया कहाँ है, यार ना इनके पैर पे गोली मारूंगा ताकि ये लोग ना मेरे को एकदम प्रॉपर बता पाए। अभी फटाफट यहाँ पर इन दोनों को भी मैंने डाउन कर दिया, ना मरे नहीं अभी, ये लोग बात कर सकते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर काफी सारे बंदे आ रहे हैं, तुम तो बेटा मरो, तुम्हारी हरकत ही मरने वाली है, तुम्हारी ऐसी की तसी। बेमतलब चोड़े हो रहे हो मेरे से भाई, यहाँ पर मैं नॉर्मली बात करने आया था बैनी के बारे में, मेरी वो $20 मिलियन की गाड़ी लेकर भागा है और ये लोग फिर भी उसका साथ दे रहे हैं भाई। मैं फ्रैंकलिन का भी दोस्त हूँ, इन लोग को ये चीज समझ नहीं आ रही। तो ओके गाइस अभी ना सबसे पहले चेक करते हैं इन लोग में से जिंदा कौन कौन है। अगर एक भी बंदा हमें अगर जिंदा मिल गया ना तो अपना काम हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने इनको मारा नहीं था। ओके गाइस तो ये बंदा जो है जिंदा है, रुक जा भाग मत भाग मत भाग, फिर मैं मारूंगा, भाग मत, मैंने बोला ना भाग मत, उठ रुक जा रुक जा रुक जा। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल मेरी इस बंदे से बात हो गई, और ये कह रहा है कि ना पूरी की पूरी ग्रीन गैंग जानती है कि बैनी कहाँ पर है, मतलब कि ना बैनी को यहाँ से भगाने में इन लोगों ने उसकी मदद करी है। उसने क्या करा, हमारी गोल्ड विंटेज कार ली और बाकी सारी जितनी भी सुपर कार्स थी ना उसके पास, उस सभी गाड़ियों को ट्रेन के अंदर लोड करवाया और यहाँ से भाग गया सीधा अपने गाँव। तो बिना एक काम कर, जल्दी से आ जा मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ भाई बैनी कौन है कहाँ गया, मैं तो आज उसे पकड़ कर ही रहूँगा। अगर 20 मिनट ही हुए तो हम लोग उस तक पहुँच सकते हैं अभी भी।
नहीं भाई यार, सच्ची में मेरा तो दिमाग खराब हो गया। जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ जा बेटा, भी पिटेगा वरना बहुत ही बुरी तरह। पहली बार रोल्स देख रहा है, मुझे पता है। बैठ जा लेकिन अभी फटाफट से चलते हैं यार बैनी के पास। और मैं यार इस गाड़ी से जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। और वो कह रहा है कि ना अभी मेरे को सीधा रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चलानी है। तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई बाइक ढूंढ। ओके तो गाइस ये देखो सामने की तरफ में एक बाइक भी खड़ी है। अभी फटाफट से ना एक काम करता हूँ, अपनी रोल्स को जो है मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ आराम से एकदम। और यहाँ से सीधा मैं वो बाइक उठा लूँगा और यहाँ से जल्दी से चलेंगे। जल्दी जा भाई बार वे हटाओ भाई गाड़ियां, मुंह तोड़ दूंगा भाई। दिमाग खराब हो रहा है वैसे मेरा इतना ज्यादा। भाई गोल्ड की विंटेज कार लेकर कैसे भागा मेरे को तो ये बताओ। जल्दी से आप बाइक पे बैठ भाई। भाई साहब इतनी देर लगा रहा है बंदा, मेरा दिमाग खराब अगर हो गया ना मैं इसकी पूरी की पूरी ग्रीन गैंग खत्म कर दूंगा। इसको भी मारूंगा क्योंकि यार मेन ये जो काम है ना ये हरकत ग्रीन गैंग वालों ने भी करी है। मतलब कि यार बैनी के दोस्तों तो क्या यार कुछ भी करवाओगे। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं बाइक भगाते भगाते यहां पर रेलवे ट्रैक पर तो आ चुका हूं। और यहां पर आप लोग ये जो एरिया देख पा रहे हो ना, इन्होंने सारी की सारी गाड़ियां ना इसी एरिया में लोड करवाई है ये कह रहा है। और यहां से ना अभी इनकी ट्रेन जो है 20 मिनट पहले ही निकली है। तो हो सकता है हम जल्दी से जो है उस बंदे के पास पहुंच जाए, यानी कि बैनी के पास पहुंच जाए। फिलहाल थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जितना भी टाइम लगेगा लगने दो, क्योंकि यार गांव तो उसका बहुत दूर होगा यहां से ये कह रहा है। तो हम लोग उसको अगर गाड़ी सीधा तेज भगाते रहे, बिल्कुल भी रोके ना, बिल्कुल भी ठोके ना, तो उस तक पहुंच सकते हैं। और यार सच्ची में ना इस टाइम पर मुझे याद आ रही है ड्राइवर की हायाबूसा की। अगर उसकी हायाबूसा होती ना तो वो चलती सीधा 250 की स्पीड में, ये चल रही है 120 की स्पीड में। अब खुद सोचो यार कितना ज़्यादा गैप है। और अगर हायाबूसा होते हम लोग कितनी जल्दी पहुंच जाते। खैर ये जो बाइक है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और ट्रेन की जो स्पीड है ना यहाँ पर लॉस सैंटोस में तो वो 40 या 50 से ज़्यादा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा यहाँ से भी ज़्यादा दूर गया होगा। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक भगाते भगाते यहाँ पर पहुँचा हूँ। सामने की तरफ में ना एक ट्रेन जा रही है। और भाई ये देखो भाई कितने बंदे बिठा रखे हैं बैनी ने इस ट्रेन के ऊपर। और यहाँ पर ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी पड़ी हुई आगे। और भाई सच्ची में ये ना पूरी की पूरी वही वाली गाड़ी है जिसमें सामान लोड होता है। अब मैं इनका भूत बनाऊंगा भाई। देख रहे हो कितने सारे यहाँ पर बंदे हैं। अभी ना यहाँ पर इनको एक एक करके मारना पड़ेगा। और काश यार ये इस बंदे के पास भी मतलब गन होती जो मेरे पीछे बैठा हो तो फिर आराम से हम लोग मारते। बाकी ना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे लोग हैं भाई। सच्ची में पूरी की पूरी एकदम रेल बना दूंगा भाई इनके भी मार मार के। यहाँ पर देखो भाई जितनी भी कार्स है ना सारी की सारी कार्स ना भी इनके अंदर लोड करवा रखी है। और आगे कहीं मेरी वो विंटेज कार भी होगी गोल्ड वाली। तो भाई देखो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को ना यहाँ पर ट्रेन के पीछे पीछे चला रहा हूँ। और यहाँ पर जितने भी बंदे पीछे की तरफ में थे ना मैंने सबको मार दिया है अभी। लेकिन ना आगे काफ़ी सारे बंदे बचे हुए हैं, मतलब जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ भाई सब देखो यहाँ पर ये बंदा नीचे उतर के हमारा वेट कर रहा था। तेरी ऐसी की तैसी बेटा यहीं पर बहुत मारूंगा अभी, चले जाए यहाँ से। अभी ना मेरे को ये देखने के अरे शिट इसकी गोली मार दी भाई, इससे अब यार मेरे को जाना पड़ेगा भाई। वो बंदा बहुत खतरनाक था भाई, उसकी गोली मार दी लेकिन मुझे उससे छोड़कर जाना पड़ेगा अभी। और गाइस यार मुझे ना ये देखना है कि मैं इसके ऊपर अपनी बाइक कैसे चढ़ाऊंगा। अगर मेरी बाइक एक बार इसके ऊपर चढ़ जाएगी ना तो बहुत बढ़िया सीन रहेगा, वरना यार ये लोग ना यहाँ से फरार हो जाएंगे भाई। अभी मुझे देखना है कि करना क्या चाहिए अभी। बाकी आप लोग ना यहाँ पर देख पा रहे हो भाई काफ़ी सारे बंदे हैं, सबको मुझे मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रेन जो है ना स्पीड भी पकड़ लिया, पहले कम स्पीड में थी लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गई और आगे जगह भी नहीं बची यार। सच्ची में ये जो ट्रेन का ट्रैक है ना यार ये वाला काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मेरे को ना बस एक बार ना ट्रेन के ऊपर एंटर होना है और मैं ना एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरी विंटेज कार इधर है भी या फिर नहीं है। तो यार मैंने ना काफ़ी कोशिश करी लेकिन जो मेरी गाड़ी है ना यहाँ पर पीछे से ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ पा रही। मैं सोच रहा था ना कि कोई इस टाइप का स्टंट लग जाए कि मेरी गाड़ी यहाँ से चढ़ जाए। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कितने खतरनाक ब्रिज आ रहे हैं और सामने की तरफ में टनल आ चुकी है। और यहाँ पर अगर मेरे को इस ट्रेन को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार एक बार ही चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो विंटेज कार है वो इसके अंदर है या फिर नहीं है। बाकी तो यार ये जो काफ़ी ज़्यादा ना रिस्की काम है भाई सच्ची में, इस ट्रेन को मैं पीछे नहीं छोड़ पा रहा भाई क्योंकि रास्ते ऐसे आ रहे हैं पतले पतले से एकदम जगह आ रही है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो टनल आ चुके हैं ना ये टनल के अंदर एकदम सीधा रास्ता है, यहाँ पर आगे चलकर देखता हूँ। ओके गाइस यहाँ पर कहीं मैंने ओ भाई आगे तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। ओ भाई ये नहीं मेरी ओरिजिनल गोल्ड विंटेज कार भाई साहब, इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये देखो सामने से गोलियाँ मार रहे हैं सारे के सारे इनकी ऐसी की तैसी। बेटा एक को नहीं छोड़ूंगा, अपना हेड दिखाओ भाई, सीधा हेड शॉट ही मारूंगा इनके भाई। अभी इन्होंने कर दिया क्योंकि दिमाग खराब। और यहाँ से मैं अपनी गाड़ी के अंदर एंटर हो सकता हूँ लेकिन यार काफ़ी सारे बंदे हैं, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर इन्होंने मेरे खतरनाक गोली मार दी ना तो आप लोग खुद देखो मैं कितनी ज़्यादा नीचे जाकर गिरने वाला हूँ भाई, मजाक से हट के। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन है भाई ये तो। अबे शिट 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 ऐसे नहीं ऐसे भाई, मेरा टायर अड़ गया था लेकिन अभी जैसे तैसे मैं बच गया हूँ यार। इतना खतरनाक एरिया मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो गाइस यार अभी ना जैसा कि आप लोग ना आगे तरफ में देख पा रहे हो यहाँ पर जो मेरी विंटेज कार है ना वो खड़ी हुई है। और आप लोग इसका गोल्ड कलर देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, उसकी नंबर प्लेट भी एकदम नॉर्मल सी है। तो भाई इससे ये पता चलता है ये अपनी ओरिजिनल वही वाली गोल्ड विंटेज कार है भाई सच्ची में। और यहाँ पर ये लोग का ना मैं मुँह तोड़ दूंगा भाई, तब से गोली चलाए जा रहे हैं मेरा दिमाग
दिमाग खराब कर दिया है। अब मुझे ना बस ये जुगाड़ लगाना है कि ट्रेन के ऊपर मैं कैसे चढ़ूंगा। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, आगे से मैं अपनी ना बाइक जो पहाड़ के ऊपर से जंप कराता हुआ लाऊं और सीधा ट्रेन के किसी डब्बे पे एंटर करवा दूं। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो भाई मैं एकदम अपनी ट्रेन के ऊपर आ जाऊंगा और आराम से यहाँ पर अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ लेकर निकल जाऊंगा। तो आप लोग देख पा रहे हो नीचे से ट्रेन जा रही है और जैसे ट्रेन जाएगी ना मैं आगे से जंप करा दूंगा भाई सच्ची में। अगर यहाँ पर हायाबुसा होती ना तो ये जो काम है ना काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाता और यहाँ पर मैंने जंप कराई है। ओ भाई साहब मैं आ गया ऊपर, भाई साहब मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर इसके चाटे पड़ेंगे और पीछे से कौन है भाई तेरी ऐसी की तैसी, इतनी गोलियाँ मारेगा निकल यहाँ से। अभी फटाफट चलते हैं, यहाँ पर बैनी इंजन में होगा भाई, बैनी कन्फर्म इंजन में है। क्योंकि गाइस यार अभी मैं अपनी ट्रेन पर फाइनली चढ़ चुका हूँ, अब बस ना मुझे आगे की तरफ में जाकर सबसे पहले इस ट्रेन को रोकना है, फिर मैं अपनी सारी की सारी विंटेज कार वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ सबको नीचे उतारूंगा। और यार यहाँ से तो जगह ही नहीं हो रही आगे जाने को, रुक जाओ मुझे ना ऊपर से जाना पड़ेगा। अच्छा ये लोको वाली ट्रेन में ऊपर से जाना पड़ता है क्या भाई, क्या सीन है भाई ये, यहाँ से मैं क्यों नहीं जा पा रहा, यहाँ से पूरा एकदम सिंपल रास्ता है, वैसे नीचे तो मेरे को उतरना ही पड़ेगा। और ये रहा भाई बैनी को ना सबसे पहले मैं बेहोश करूंगा। अभी इसको पता नहीं है यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, इसको लग रहा है ना कि मैं भी ट्रेन पर अभी चढ़ नहीं पाया हूँ, तो सबसे पहले ना बैनी को बेहोश करते हैं। चल बेटा यहाँ पर मैंने इसके स्टन गन मार दिया, इसे करंट लग गया और ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया है। अब मैंने इसे मारा इसलिए नहीं क्योंकि ना भाई इससे भी काम करवाना है, अपनी गोल्डन कार जो है रिपेयर करवानी पड़ेगी और इसको ना अपना परमानेंट नौकर बनाऊँ। अभी तुम लोग देखो अभी फटाफट चलते हैं ट्रेन के अंदर जल्दी से। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ और इसी ब्रिज पर मैं अपनी ट्रेन जो है रोकने वाला हूँ। तो लो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई बैनी को कितनी बुरी तरह मैंने बेहोश करा है और इसी ब्रिज पर मैंने अपनी ट्रेन भी रोक दी। अभी फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं आगे की तरफ में और यहाँ पर अपनी जो भी गाड़ी है ना उस गाड़ी को मेरे को यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा सबको। एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह मैं गिरा हूँ। यहाँ पर भाई देख रहे हो भाई बैनी ने कितने सारे बंदे रख रखे थे, मतलब कि मेरे को लग रहा है ना ये जो इसका प्लान है ना ये पहले से था। और ये रही अपनी गोल्ड विंटेज कार भाई साहब, इसका कलर ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है उससे, लेकिन जैसा उस बंदे ने दिखाया था ना वैसा अभी भी नहीं है। शायद से इस पर भी पॉलिशिंग नहीं हुआ इसलिए ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं इस पर पॉलिशिंग हो जाएगी, ये भी वैसे दिखने लग जाएगी। बाकी ना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक और गोल्ड की कार है भाई साहब, मतलब कि एक और गोल्ड की कार भाई। ये बैनी ने लग रहा है सारा का सारा हमारा गोल्ड ना अपनी बाकी गाड़ियों पे भी लगा दिया भाई सच्ची में, बहुत ज़्यादा चालू निकला बैनी तो। और यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी कार से लेकर आया हो भाई, सारी तगड़ी तगड़ी कार है। और बीच रास्ते में ना इसकी चार पाँच कार तो फूट के नीचे भी गिर गई थी भाई सच्ची में, और ये सारे लोग अलग ही बदमाश बन रहे थे भाई साहब बेमतलब ही। अभी एक काम करते हैं सारी गाड़ी हम लोग यहाँ से उतरवाएंगे और वापस लेकर चलेंगे अपने शोरूम में। तो गाइस सर अभी ना मैं एक बार ही ट्रेन में दोबारा से बैठ चुका हूँ, मतलब कि ना यहाँ पर गाड़ी उतारना थोड़ा मतलब कि ब्रिज है ना पूरा तो जगह मिल नहीं रही थी गाड़ियाँ उतारने के लिए। अब यार देखो इतनी भारी भारी गाड़ी है, अब डब्बे के ना एकदम बगल में ही उतारनी पड़ेगी, एकदम डायरेक्टली चलाकर तो ले जा नहीं सकते। तो धीरे धीरे ना मैं सोच रहा हूँ कि किसी ढंग की जगह पर लेकर चलते हैं ट्रेन को, जहाँ पर ना आसपास थोड़ी सी जगह हो, सारी की सारी गाड़ियों को वहीं पर उतारेंगे और फिर मैं अपना ट्रक या ट्रेलर जो भी कुछ हो लेकर आऊँगा। तो वैसे ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन थोड़ा सा और आगे लेकर चल लेते हैं क्योंकि ना यहाँ पर आगे छोटा सा एक ब्रिज और, तो मैं चाहता हूं कोई भी ना रास्ते में ब्रिज वगैरह ना हो, आराम से किसी ढंग की जगह पर अपनी ट्रेन को खड़ा करेंगे और वहां पर मैं अपनी गाड़ी आराम से उतारूंगा। और बाकी ये ट्रेन है यहां पर ना इसमें ब्रेक काफी ज्यादा पहले देनी पड़ती है, अगर हमने ब्रेक नहीं दी ना तो भाई फिर सोच लो इसे रोकने में, जहां तुम्हें रोकनी है ना उससे थोड़ा पहले ब्रेक दबानी पड़ती है। तो यहां पर चलो भाई ये जगह ना मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, तो अभी फिलहाल यहां पर मैं ब्रेक दबा देता हूं। और आप लोग यहां पर ना स्पीड देख पा रहे हो ट्रेन की 42 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अभी यहां पर ये जो रोड है ना इस रोड के एकदम पहले ही मैं अपना इंजन रोक दूंगा पूरा पूरा, और ये जो जगह है ना भाई इंजन रोकने के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। अभी फिलहाल जो ट्रेन की स्पीड है वो एकदम कम हो चुकी है, तो अपनी गाड़ी के लिए बेस्ट लोकेशन इससे बढ़िया नहीं है। अभी एक काम करते हैं अपनी सारी की सारी गाड़ियां जो यहीं पर उतारते हैं। अब यहां पर उतारने का फायदा पता है क्या है, यहां पर हम लोग ना बगल में हाईवे है, सीधा ट्रक लाएंगे सारी की सारी गाड़ियां लोड करवाएंगे और यहां से निकल लेंगे। लेकिन अगर मैं अभी उस ब्रिज पर उतरवाता तो यार पहली बात तो वहां पर ट्रक ले जाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती और उसके बाद वहां से गाड़ियां उतार के आगे लाने में भी दिक्कत होती, तो वो चीज मैं नहीं चाहता था इसलिए मैंने ट्रेन अपनी आराम से आगे कर लिया। अभी फटाफट उतारते हैं विंटेज कार। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने सारी की सारी गाड़ियां जो यहाँ पर नीचे की तरफ में उतार ली और यहाँ पर मैं चेक करने आया था कि कोई गाड़ी वाड़ी रह तो नहीं गई, तो यहाँ पर बैनी ना टोटल 10 गाड़ियां लेकर यहाँ से भागा था जिसमें से मेरी एक विंटेज कार थी। और यहाँ पर अभी मैंने बैनी को भी पकड़ लिया और बैनी को भी मैंने वहीं पर भेज दिया उठाकर दोबारा से, मतलब उसे मैंने स्टन कर दिया था, उसे मारा नहीं था क्योंकि ना अभी उससे अपनी गोल्ड कार रिपेयर करवानी है और उसको अपना भी नौकर भी बनवाना है नए वाले शोरूम के लिए, आज इसका मैं बुरा हाल कर दूंगा। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये पांचों की पांचों गाड़ियां अभी फिलहाल बैनी
और मैंने मिलकर नीचे उतार लिया है। और यहाँ पर बैनी बेचारा मेरे को बार बार ही स्टोरी बोले जा रहा है कि गलती होगी, छोड़ दो, आज के बाद नहीं होगा। लेकिन अब मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, इसको अपना परमानेंट नौकर बनाएंगे नए वाले शोरूम के लिए। अब बेचारे का बुरा हाल होने वाला है। यहाँ पर पहले तो इससे गोल्ड कार पॉलिश करवानी है पूरी की पूरी, सबसे पहले उसे देके आनी है, ड्राइवर को बचाना है। तो चलो गाइस, अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाख लाइक के लिए, तो जल्दी से आओ लाइक का बटन दबा दो सभी लोग। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से अगर दबा दो। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। और हाँ यार, जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लो और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय।